तो सी हल का 7 एपिसोड डिज्नी हॉटस्टार पे हो चुका रिलीज। तो चलिए जानते हैं कैसा था ये एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जेनिफर की लव स्टोरी देखने को मिलती है, पर वहीं पे हमें एबोमिनेशन के 4 शिष्य भी देखने को मिलते हैं। अब ये कौन है, क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर जेनिफर का एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है, और फिर एपिसोड के लास्ट में हमें ये पता चलता है कि सी हल का खून कहीं और पर ही डिलीवर हो चुका है। तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग थोड़ा अलग और यूनिक ढंग से होता है, जो कि अच्छा था। फिर हमें एबोमिनेशन के 4 दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनका नाम मैन बोल, एग्यूला, परक्यूपाइन और सैरकैन है। और ये कौन है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे सी हल्क को थोड़ा इमोशनल बातें करते हुए हम सुनते हैं, जो कि अच्छा था। जहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनिफर अंदर से कितनी दुखी है और कितनी टूट चुकी है। भाई जो भी हो, एबोमिनेशन का ये फॉर्म जो था बहुत ही हरा भरा और इतना बड़ा है कि क्या ही बोलूं। अभी ये जो एबोमिनेशन इतना साधु बन रहा है ना, आगे जाके अपना असली रूप जरूर दिखाएगा। फिर हमें जेनिफर के साथ उसकी बॉयफ्रेंड का ये लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉस किंग हल का एक मेंबर है या तो उसका लीडर है, जिसके पास अब सी हल के डाटा के साथ साथ उसका ब्लड भी है, जिसका यूज वो आगे जाके एक नया हल्क बनाने के लिए करने वाले हैं। और जो भी हो, मुझे यहाँ तक लग रहा है ये कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर का विलन हो सकता है, जो कि हम सभी को पता है द लीडर होगा। तो कुल मिलाकर सी हल्क का 7 एपिसोड इसके पिछले 2 एपिसोड के मुकाबले ज़्यादा बेटर था, जहाँ पे हमें सी हल्क से थोड़ा इमोशनली अटैच करवाने की कोशिश की गई है, और इसके साथ इसमें थोड़ा स्टोरी डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। तो यदि अभी तक आपने इसकी सीरीज को फॉलो किया है, तो आप इस एपिसोड को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी हल्के बाकी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे मारवल प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलिएगा।